हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। यूनिट 3 में पढ़ रहे थे डिज़ाइन ऑफ बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव। तो अभी रोप के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इससे पहले लेक्चर में हम रोप के टाइप्स देख रहे थे, रोप को समझ रहे थे। इस लेक्चर में हम स्ट्रेसेस देखेंगे, रोप पे क्या क्या पड़ता है। सो स्ट्रेसेस इन वायर रोप। नाउ स्ट्रेसेस इन वायर रोप, तो फर्स्ट डिस्कस करें हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू एक्सियल लोड लिफ्टेड एंड वेट ऑफ द रोप। ठीक है, तो डायरेक्ट स्ट्रेस जब आप किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो किसी रोप से, तो उसमें जो डायरेक्ट स्ट्रेस होता है वो कितना होता है, सिग्मा बी इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन ए, वेयर कैपिटल डब्ल्यू इज द लोड लिफ्टेड, स्मॉल डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द रोप एंड ए इज द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द रोप। अंडरस्टूड? नाउ बेंडिंग स्ट्रेस, व्हेन द रोप रोप को सीव और ड्रम, रोप विंड्स राउंड द सीव और ड्रम। जब आप रोप को सीव या ड्रम पे जब उस पे से अगर आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या पड़ेगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस होगा, तो बेंडिंग स्ट्रेस के कारण, तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, तो बेंडिंग सिग्मा बी इज इक्वल टू ई सबस्क्रिप्ट में आर इंटू डी डब्ल्यू अपॉन डी। ये है डी डब्ल्यू, स्मॉल डी डब्ल्यू मीन्स डायमीटर ऑफ रोप, कैपिटल डी क्या है भाई, कैपिटल डी हमारा है डायमीटर ऑफ सीव और ड्रम। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ सीव और ड्रम डेट इज कैपिटल डी, स्मॉल डी डब्ल्यू इज द डायमीटर ऑफ वायर, और ई आर, ई आर तो यहाँ बोला है इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड ऑफ द, ई आर आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बट एक्चुअल में ई आर हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, नाउ ये तो हमारा बेंडिंग स्ट्रेस हो गया ना, इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड ऑन द रोप, रोप पे जो इक्विवेलेंट बेंडिंग लोड लगता है उसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बी इंटू एरिया। ठीक है, तो सिग्मा बी इंटू नॉर्मल एरिया, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एक तो डायरेक्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है, एक बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला याद रखना है, ये लोड का रख लो याद, काम आएगा। ठीक है, वेयर ई आर इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वायर, डी डब्ल्यू इज द डायमीटर ऑफ वायर, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ सीव और ड्रम, और ए इज द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रोप। सो एक्चुअली ई आर इज अ नॉट अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द वायर मटेरियल, बट इट इज द एंटायर रोप। ठीक है, जो एक्चुअल में ई आर हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं है, द वैल्यू ऑफ ई आर में बी टेकन है 77 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फॉर रॉट आयरन के लिए और 84 किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फॉर स्टील रोप के लिए। एक्सपेरिमेंटली जो हम ई आर की वैल्यू जो निकला था हमारा, वो निकलता है ई आर इज इक्वल टू 3/8 E, where E is the modulus of elasticity. Actually, जो E है हमारा वो modulus of elasticity है, उसमें जब आप 3/8 का इंटू करेंगे तब वो आपका ER बनता है, that is my. Now the load on the whole rope, whole rope जो आपका जितना लंबा rope है उस पर कितना load, WB is the area into stress. Area into stress is equal to load होता है, तो area pi by 4 dW square rope का area और सिग्मा बी इज द बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इंटू एन, हमने एन इंटू किया नंबर ऑफ वायर्स इन रोप, एक रोप में जितने वायर्स हैं उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो द लोड, होल लोड निकल जाएगा रोप का। ठीक है, नाउ स्ट्रेसेस ड्यूरिंग स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, जैसे मतलब आपने रोप से किसी वेट को लिफ्ट कर रहे हो रोप से, तो जैसे एक अभी स्टेबल कंडीशन पे हो, ठीक है, जैसे आप लिफ्ट करोगे तो स्टार्टिंग, और जैसे आप अचानक ही रोक रहे हो तो स्टॉपिंग, तो वहाँ पे भी एक स्ट्रेस लगता है रोप में हमारे, तो वो द इंड्यूस्ड एडिशनल लोड इन द रोप विच इज गिवन बाय डब्ल्यू ए, दैट इज इंड्यूस्ड एडिशनल लोड इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जी इंटू ए। ओके, एंड फॉर करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, इसके लिए जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस हो जाएगा वो हो जाएगा ये हमारा लोड इनटू एरिया, ए अपॉन ए, व्हाट इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए, वेयर स्मॉल ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ रोप एंड द लोड, एंड कैप जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल ए क्या है, एक्सेलरेशन है, और जो हमारा ये कैपिटल ए था यहाँ पे, स्मॉल ए हमारा एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो हमारा ये लोड इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग कंडीशन में आप स्ट्रेस देख रहे हो ना, तो स्मॉल ए क्या है हमारा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कैपिटल ए जो है हमारा वो क्या है, एरिया। ठीक है, ध्यान रखना ये बात, वे जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। ओके, नाउ इफ द टाइम टी नेसेसरी द अटेन अ स्पीड वी इज नोन, देन द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन बाय वी अपॉन 60 टी। अब ये कैसे हुआ, देखो पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर वेलोसिटी पे जब आप रोप को रोप से किसी वेट को आप लिफ्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग स्टॉपिंग जो यहाँ पे हमारा ए है एक्सेलरेशन ऑफ द रोप, वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा रोप में एट स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट पे, तो वो जो एक्सेलरेशन निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा वी अपॉन 60 इंटू टी। वी हमारा क्या है, वेलोसिटी है,
जो स्पीड से आपने रोप को स्टार्ट किया और 16T कितने टाइम में, जितना टाइम लग रहा है, ठीक है। इससे हमारा ए निकल जाएगा, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो उससे स्ट्रेस एंड द लोड निकल जाएगा, ठीक है। नाउ इम्पैक्ट लोड ड्यूरिंग स्टार्टिंग, जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपका वेट एक वेट पे जो है इम्पैक्ट लोड भी एक्ट होता है, ओके। तो इम्पैक्ट लोड जो हमारा होता है, इम्पैक्ट लोड WST से हम इम्पैक्ट लोड डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। सो जो हमारा इम्पैक्ट लोड होगा WST इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल W, ठीक है। वेट ऑफ वायर एंड कैपिटल W इज द वेट ऑफ रोप, ओके। नाउ 1 √1 2ah × E/σd × L×G, ठीक है। वेयर VR इज इक्वल टू √2ah, वेलोसिटी ऑफ द रोप एट इंस्टेंट व्हेन द रोप इज टॉट। जैसे आप रोप को टाइट कर रहे हो, जैसे आपने पावर लगाया अपने वेट को उठाने के लिए, तो जो रोप में जो वेलोसिटी होगा V होगा वो हमारा निकलेगा 2a × h। a क्या है अपना एक्सेलरेशन ऑफ द रोप और h क्या है हाइट स्लैकनेस ऑफ द रोप, ओके। एंड द एल इज द लेंथ ऑफ द रोप। हियर ए पता चल गया, h क्या स्लैकनेस ऑफ द रोप, e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिग्मा डी डायरेक्ट स्ट्रेस, एल इज द लेंथ ऑफ द रोप एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे आपका इम्पैक्ट लोड निकल आएगा, ठीक है। नाउ व्हेन नो स्लैकनेस इज इन द रोप कंसीडर, अगर आप स्लैकनेस कंसीडर नहीं कर रहे रोप में, दिस मींस एच इज इक्वल टू जीरो और वी आर इज इक्वल टू जीरो। एच जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी भी हमारी जीरो हो जाएगी। देयरफॉर जो आपका इम्पैक्ट लोड का फॉर्मूला आएगा 2W कैपिटल W प्लस स्मॉल W और जो उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस आएगा ये लोड अपॉन एरिया, तो लोड अपॉन एरिया इज स्ट्रेस, ओके। ना उसके बाद है हमारा स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड। अब जो स्पीड चेंज, फॉर एग्जांपल आप 20 मीटर पर सेकंड से आप चला रहे हो, फिर अचानक अपने स्पीड कर दिया कम 10 मीटर पर सेकंड, तो उसके कारण भी चेंज ड्यू टू चेंज इन स्पीड हमारा स्ट्रेस डेवलप होता होगा वायर में। तो वो जो होता है फॉर्मूला उसके लिए A इज इक्वल टू V2 − V1/2, वेयर V2 − V1 इज अ चेंज इन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड और टाइम और T इज द टाइम, ओके। देयर फॉर द स्ट्रेस सिग्मा A इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल W अपॉन AG, ये तो हमारा इंटू V2 − V1/T। तो ये फॉर्मूला हमने कहाँ से लाया, ये लोड W कैपिटल W प्लस स्मॉल W अपॉन एरिया, ये हमारा लोड हो गया, ठीक है, इंटू A स्मॉल A, ठीक है, दैट इज V2 − V1/T। एक फॉर्मूला ये आ गया ना इफेक्टिव स्ट्रेस। लास्ट टॉपिक है, तो हो सके तो आप बुक से न्यूमेरिकल लगाना, अगर मेरे पास टाइम मिला तो हम इस चैप्टर का अच्छे से आपको न्यूमेरिकल बता दूंगा, क्योंकि और भी काफ़ी जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके भी लेक्चर्स मुझे अपलोड करने हैं, तो मेरे पास फिलहाल इतना टाइम नहीं है कि मैं सारे को कवर कर सकूँ, इसलिए हो सके तो न्यूमेरिकल आप बुक से ट्राई करना कोशिश करने की, ठीक है। बाकी जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यही आपको इस चैप्टर में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, इतना काफ़ी है हमें रोप की डिज़ाइन करने के लिए। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस की बात कर रहे थे, द सम ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द बेंडिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द रोप ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग। ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग के लिए जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है हमारा क्या होता है, सम ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। और नाउ द इफेक्टिव स्ट्रेस इन द रोप ड्यूरिंग स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जो होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज σST × σV। σST स्टार्टिंग स्ट्रेस और σV स्टार्टिंग स्ट्रेस हमारा साथ कुछ आया था, ये देखिए करस्पॉन्डिंग स्टार्टिंग स्ट्रेस आया था 2W + W/A, ये आया था स्टार्टिंग स्ट्रेस। तो याद रखना फॉर्मूला एक दूसरे को आपको जोड़ना है, ठीक है। और द इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यूरिंग द रोप इज एक्सीलरेटेड, उसके लिए हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्ट्रेस प्लस बेंडिंग स्ट्रेस प्लस एक्सीलरेटेड स्ट्रेस, दिस इज माई इफेक्टिव स्ट्रेस फॉर ड्यूरिंग द रोप इज एक्सीलरेटेड। तो ये तीन हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस का फॉर्मूला, एक नॉर्मल वर्किंग में, एक स्टार्टिंग कंडीशन में और एक हमारा एक्सीलरेट जब करता है आपका रोप तब, तो ये तीन इफेक्टिव स्ट्रेस। तो फिलहाल इतना ही था रोप में, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हमने देखा कि रोप पे जो डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ता है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, उसके बाद रोप पे बेंडिंग स्ट्रेस क्या है उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस के कारण जो लोड हमारा लगेगा वो फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारा जो लोड ऑन होल रोप, पूरे रोप पे हमारा जो लोड लग रहा है वो कितना होगा, हमारा लोड क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, तो लोड इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया लोड। तो ये हमारा स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस, दिस इज माय एरिया, और एन हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एन इज द नंबर ऑफ वायर इन द रोप, पूरे
रुक कर निकालना है, ओके ना। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेस ड्यूरिंग स्टार्टिंग और स्टॉपिंग पॉइंट पे क्या स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। तो हमारा एट स्टार्टिंग सिग्मा ए एक्सिलरेटिंग स्ट्रेस, दिस इज द एक्सिलरेटिंग स्ट्रेस सिग्मा ए विच इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू अपॉन जी इंटू एक्सिलरेटिंग इंटू एरिया, ठीक है। ये हमारा लोड, उसे करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस। नाउ उसके बाद हमने देखा था, कि ए कैसे फाइंड करें। ए फाइंड करने के लिए हमने देखा वी अपॉन 16 टी, वी इज द स्पीड और टी इज द टाइम। नाउ इंपैक्ट लोड का फॉर्मूला, उसके बाद हमने इंपैक्ट लोड का देखा ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन में व्हेन स्लैकनेस रोप इज कंसीडर, मीन्स एच स्लैकनेस जो ऑफ रोप जो है आपने एच कंसीडर किया तब आपका ये फॉर्मूला बना। अब जब आप स्लैकनेस ऑफ रोप हटा दिए तब फॉर्मूला हमारा ये बनता है, ठीक है। और ये हमारा करस्पॉन्डिंग दैट इज स्ट्रेस स्टार्टिंग, ओके, ड्यूरिंग इंपैक्ट। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था स्ट्रेसेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड, जब स्पीड चेंज होगा उसके कारण जो स्ट्रेस होगा दैट इज सिग्मा ए दिस, ठीक है। दिस इज द एक्सेलरेटिंग, चेंज हो रहा है स्पीड तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये हमारा एक्चुअल में जो सिग्मा ए हमारा है ये, ठीक है। नाउ इफेक्टिव स्ट्रेस, उसके बाद देखा तीन टाइप का, नॉर्मल वर्किंग के लिए देखा कंडीशन में जब वायर आपका काम कर रहा है उसके लिए इफेक्टिव स्ट्रेस, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट पे रोप को जो फोर्स लग रहा है उसका इफेक्टिव स्ट्रेस, एंड इफेक्टिव स्ट्रेस ड्यूरिंग द एक्सीलरेटिंग, तो उसका फॉर्मूला हमने ये देखा, ठीक है। तो ये सब हमारा था कुछ रोप ड्राइव का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि न्यूमेरिकल में काम आएगा, ओके।